विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने फूंका आतंकवाद का पुतला, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। बैराड़ में बढ़ रहे नशे की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री और एसपी के नाम 8 सूत्रीय मांगों के साथ दिया ज्ञापन। आतंकवादियों का समुचित इलाज करे केंद्र सरकार। खबर बैराड़ थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आतंकवाद का पुतला दहन कर 9 जून को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय हिंदू तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले का विरोध जताया है। वे अपने राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हुए इन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण लगाने की मांग की है। साथ ही बैराड़ क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों का रोकथाम हेतु विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 8 सूत्रीय मांगों के साथ मुख्यमंत्री और एसपी के नाम भी तहसीलदार बैराड़ द्रगपाल सिंह वैश को ज्ञापन दिया है। इस दौरान राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ने भी बैराड़ की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैराड़ में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम हेतु 8 सूत्रीय मांगों के साथ मुख्यमंत्री और एसपी के नाम भी सौंपा ज्ञापन। बैराड़ में जो इस मैक के आदि हो चुके हैं, उनके द्वारा वहां अनेक चोरों द्वारा हो रही चोरियों की वजह से नगरवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। अतः बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाए जाए, नशे के कारोबार को रोकने हेतु पुलिस प्रशासन सक्रियता बरते, जिससे पुनः बैराड़ में इस मैक का कारोबार बड़े पैमाने पर न फल फूल सके। बैराड़ थाने पर कुछ पुलिसकर्मी कई सालों से यहां की 10 साल से अधिक समय से जमे हुए, जिनका स्थानीय क्षेत्र के अपराधियों और राजनीतिक लोगों से तालमेल होने के चलते नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः तत्काल प्रभाव से बैराड़ थाने से हटाया जाए। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी बैराड़ नगर में मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर को आज दिनांक तक नहीं हटाया गया, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। बैराड़ क्षेत्र के गोवर्धन थाना क्षेत्र से गौ तस्करी और अवैध उत्खनन को रोका जाए। बैराड़ नगर में मांस विक्रय की दुकानें बिना लाइसेंस की चल रही हैं और मुख्य बाजार में चल रही हैं, उन्हें नगर से बाहर किया जाए और बिना लाइसेंस की दुकानों पर कठोर कार्रवाई की जाए। बैराड़ क्षेत्र में चोरी की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पीड़ितों की कोई सुनवाई न करते हुए डरा धमका कर भगा दिया जाता है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद है। बैराड़ थाने पर लंबे वर्षों से जमे पुलिसकर्मियों की वजह से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। बैराड़ थाने पर एक कुशल स्टाफ की आवश्यकता है, जो अपराधों पर अंकुश लगा सके। बैराड़ से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपने मतलब जो आवेदन दिया है, क्या मांगे आपकी इसमें 8 सूत्री मांगे रखी है एसपी महोदय की, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें कई वर्षों से स्मैक का, गांजे का, अवैध शराब का कारोबार बहुत जोरों से बढ़ गया है नगर में और क्षेत्र में। और जो पुराने यहाँ पे आरक्षक वगैरह प्रधान आरक्षक डटे हैं कई सालों से, उनको हटाने की मांग की गई है। मुझे ज्ञापन दिया है जिसमें क्या कुछ मांग किया थी, क्या उद्देश्य ज्ञापन का बताएं। बैराड़ नगर में स्मैकचियों और जो है नशेड़ियों की वजह से आए दिन नगर भर में चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उन पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इस संबंध में बैराड़ में जो नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन चरम की ओर है और बैराड़ थाने में जो पुलिसकर्मी जिनके संरक्षण में जो कई सालों से जमे हुए हैं इस थाने पर, उनके संरक्षण में अपराधियों को जो है बढ़ावा मिल रहा है, उनको थाने से हटाने और इस नशे के कारोबार और इन चोरियों पर रोकथाम लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री महोदय और एसपी के नाम दिया हुआ है और इन जो है चोरियों को जल्द से जल्द रुकवाने और इस पुलिस जो पुलिसकर्मी बरसों से जमे हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाए, इसको लेकर ये ज्ञापन दिया। इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करना? बजरंग दल ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है, यदि ये कार्रवाई नहीं होती है और जो हमने 8 सूत्रीय मांगे रखी हैं उन पर जो है जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ग्रामीण क्षेत्रों के साथ उग्र आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, नारा वीर बजरंग दल। पुतला दहन किया, क्या है ये पुतला दहन, क्या उद्देश्य आपका? बीते 9 जून को वैष्णो देवी से शिवखोड़ी जाते हुए हिंदू यात्रियों की बस पर पाकिस्तानी जिहादियों ने अकारण ही हिंदू यात्रियों पर हमला कर दिया था। उस हमले में हमारे 10 हिंदू जो है भाई जो है शहीद हो गए। उसको लेकर आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है ज्ञापन दे रहा है राष्ट्रपति महोदया के नाम और पुतला आतंकवाद का पुतला दहन कर रहा है और मांग की है ज्ञापन में कि यदि इस प्रकार की घटनाएं जल्द से जल्द यदि रोकी नहीं गई, इन आतंकवादी, इन जिहादी, इन इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों पर
जो अकारण ही हिंदू समाज पर हमला बोल रहे हैं, अकारण ही हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज सड़कों पे उतरा है। और यदि जल्द से जल्द इसका जो है इस पे नियंत्रण नहीं लाया गया तो बजरंग दल स्वयं इसके आतंकियों को नष्ट करने का कदम उठाएगा।